आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की घोषणा केवल किसके दौरान हो सकती है। देखिए, जो भारतीय संविधान है इसमें जो आपात उपबंध है यह तीन प्रकार का है। आपात उपबंध तीन प्रकार का है और उसमें कौन कौन से हैं, तो जो उसका पहला है वो है राष्ट्रीय आपात, यह पहला आपात है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन और जो तीसरा है वो है वित्तीय आपात। यह तीन प्रकार का आपात जो है वो भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। अब इनसे अनुच्छेद देख लेते हैं। इसका अनुच्छेद है 352, राष्ट्रपति शासन है 356 के तहत और जो वित्तीय आपात है ये 360 के तहत है। अब देखिए, राष्ट्रीय आपात क्यों लगाया जाता है, जब किसी देश में क्या हो जाए, बाह्य आक्रमण, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह अगर उत्पन्न हो जाए तो वहां उस समय पर राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। जो राष्ट्रपति शासन है यह राज्यों में लगाया जाता है और जो वित्तीय आपात है धन के संकट के कारण लगाया जाता है। जब धन संकट उत्पन्न हो जाता है तब वित्तीय आपात लगाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे अपने से 352 के तहत आपात की घोषणा का पूछा गया है, तो इसमें पहला है युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक शांति, यह गलत है। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह यह एकदम सही है, क्योंकि राष्ट्रीय आपात इसी सिचुएशन में लगाया जाता है। तो अपने प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और देश में वित्तीय अस्थिरता पर वित्तीय आपात लगाया जाता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।